बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्टबाइट.टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कर्नाटक के मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक सेक्स टेप मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि मंत्री पर आरोप था कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया। इससे जुड़ी CD को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने जारी की थी। वहीं CM BS येडियुरप्पा को लिखे पत्र में जारकीहोली ने लिखा है कि मेरे खिलाफ आरोप गलत है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार CM BS येडियुरप्पा ने रमेश का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद रमेश के इस्तीफे को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन ही कर्नाटक में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने CD जारी की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया है। वहीं रमेश जारकीहोली ने सभी आरोपों को नकारते हुए अपने इस्तीफे में कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे आरोप है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्टबाइट.टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।